सभी को नमस्कार। आज हम एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें कार्यालय में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया हो, तो हम इस प्रकार से अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बाईं ओर लिखेंगे कि सेवा में संपादक, दैनिक जागरण, नई दिल्ली। फिर विषय लिखेंगे कार्यालयी भ्रष्टाचार। फिर हम महोदय लिख करके अपने पत्र को लिखना शुरू करेंगे और इसमें इस प्रकार से हम लिखेंगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कृपया मेरे निम्नलिखित विचारों को आपके पत्र कॉलम में छापें। आजकल भ्रष्टाचार और सरकारी कार्यालय पर्यायवाची बन गए हैं। जिस भी सरकारी कार्यालय में जाओ, रिश्वत के बिना कोई आंख उठा कर के नहीं देखता। पिछले दिनों मैंने रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने अखबार में अपना रोल नंबर देखा, परंतु साक्षात्कार के लिए पत्र नहीं मिला। जानने पर पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में डाकिये ने पत्र देने से इनकार कर दिया, जबकि मेरे मित्र के घर वालों ने डाकिये को 20 रुपये दिए तो वह उसका पत्र देकर चला गया। मैं जब डाकघर में जाकर डाकिये से तो मिला तो उसने बताया कि उसका पत्र वापस भेज दिया गया है। मैं रेलवे के कार्यालय में साक्षात्कार पत्र लेने के लिए पहुंचा। वहाँ का लिपिक डाकिये से भी अधिक भ्रष्ट निकला। उसने सरासर झूठ बोलते हुए कहा कि पत्र वापस नहीं लौटा है। जब मैंने नया पत्र जारी करने को कहा तो उसने किसी अन्य क्लर्क के पास भेजा, क्लर्क ने अफसर के पास भेजा। इस प्रकार मैं शटलकॉक की तरह घूमता रहा। अंत में मैंने अपने लिपिक को 50 रुपये दिए तो उसने अपनी जेब में रखा हुआ वह वापसी पत्र मुझे दे दिया। सरकारी कार्यालय में बेखौफ फलता फूलता यह भ्रष्टाचार न जाने कैसे रुकेगा। लगता है सरकार कानों में उंगली डालकर बैठी है। कहीं ऊपरी अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं। भवदीय दिव्या। इस प्रकार से हम यहाँ पर बाईं ओर अपना जो पता है वह लिख देंगे और दिनांक जो है उसका भी हम चिन्हन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।